सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पीछे के पाठ से कुछ पूछना, कल वाले पाठ से। दीदी जो लास्ट जो पिछली क्लास में जो हुआ था, आपने जो बताया था जैसे छोटी छोटी जो बात भी बड़े को बोलना चाहिए, छोटी छोटी बात भी बड़े को बोलना चाहिए, जैसे कोई कोई इश्यू भी हो माता पिता को शेयर करना चाहिए। ये तो मैंने नहीं बताया था, छोटी छोटी बात भी माता पिता को गुरु को बताना चाहिए। आपने जो बताया था जैसे कोई चीज समस्या बताया जी, समस्या जीवन की समस्या, छोटी छोटी बात और समस्या में अंतर है ना। छोटी छोटी बात कैसे बता सकते हैं कि आज हमने तब उठे थे खाया था, ऐसे थोड़ी बताना है। दीदी जो आपने जो समस्या ही बताया जैसे, हाँ ऐसे बोलो कि आज जो जीवन की समस्या है हम लोग अगर वो अपने से ऊंची शक्ति वाले के साथ शेयर करना चाहिए, ये मैंने बताया था जी। अब बोलिए। तो दीदी जैसे अब अगर हम लोग जो समस्या है जैसे गुरु जी के पास में जाएंगे या स्वामी जी के पास में जाएंगे या पिता के पास में जाएंगे, जैसे अगर कोई बच्चे का कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग तो एक दुख भी दे रहे हैं ना वहाँ माता पिता को, भले उन लोग जैसे अगर बेटी का कुछ। ये तो आ गया था उस दिन ये प्रश्न, तो कि हम दुख नहीं देना चाहते हैं, पर जिस समस्या में आप उलझे हैं और आपका साथी उसको सुलझा नहीं सकता है, तो उस समस्या तो फिर बड़े रूप में आएगी उनके सामने, तब और ज्यादा दुख देंगे ना। आज दुख देंगे वो तो छोटा है, और फिर वो इस समस्या को, आज तो समस्या थी कि एक घाव हो रखा था, एक फेज वन तक ही जाना था आज तो, और कल वो कैंसर बन जाएगा तो वो ज्यादा दुख होगा। एक उदाहरण है ये तो। ऐसे जीवन की कोई भी समस्या जो हमारे से नहीं सुलझ रही है, हम सुलझा लें तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो जाना ही नहीं है, फिर वो समस्या है भी नहीं। और लेकिन जो हमारे से नहीं सुलझ रही है और हमारे किसी सहयोगी से भी नहीं सुलझ रही है, कई भी ऐसे भी हो सकता है कि हमारे साथ ही सुलझा देते हैं कुछ छोटी मोटी, दोनों से नहीं सुलझ रही है और फिर भी नहीं बता रहे हैं, तो फिर ये तो बड़ा दुख देगी माता पिता को या गुरुजनों को, क्योंकि उनको पता तो लगेगा पर वो किसी और के माध्यम से पता लगेगा, कोई और बताएगा उनको कि आपके बेटे को तो ऐसे हो गया, आपके बेटे या मतलब वो ऐसे नहीं होता है कि बच्चे जो हैं जवान वो माता पिता को तो बताते ही नहीं है और फिर वो शादी करने के लिए चले जाते हैं बाहर, तो शादी करने के बाद भी पता तो लगेगा ना माता पिता को, और स्वीकार भी करना पड़ता है माता पिता को, कर ही लेते हैं प्राय, तो पहले यदि बता देते तो क्या होता, बाद में भी तो नाराज होके स्वीकार किया तो उनको कहेगा, उनको ये ही लगता है कि बेटा आपको ये ही करना था, यदि हमें एक बार बता के तो देखते, हो सकता है हम एक बार नाराज होते, हो सकता है हम एक बार आपको डांट देते समझाते, तो दुख तो हम उस ना बताने वाली स्थिति में ज्यादा देते हैं। जैसे आप यहाँ रह रहे हैं, आपकी कोई समस्या है, आपसे सुलझ नहीं रही है, आप अपने सहपाठी को बताते हैं उससे भी नहीं सुलझ रही है और आप अंदर अंदर परेशान हुए जा रहे हैं, तो फिर वो कुछ दिन के बाद तो हमारे तक आती है ना, लेकिन तब तक वो काफी बिगड़ चुकी होती है, तो फिर हम कहते हैं कि भाई ये बात हमें पहले ही बता देते तो हम ठीक कर लेते इसको। तो दीदी जैसे जीवन में समस्या तो आएंगी, जैसे हर चीज जो समस्या नहीं सुलझ जाती है तो बार बार अगर बार बार बोलेंगे, जो डिग्निटी रहता है, जो लेवल रहता है, जैसे माता पिता में, जो गुरु जी। अर्जुन ने कितनी बार बोली, जब तक नहीं सुलझ जाए तो बोलना ही कितना, और आप ना बोल के भी कितनी समस्या देते हैं आपको पता है,
आप क्या सोचते हैं कि हमने नहीं बोला तो हमने कोई कष्ट नहीं दिया अपने माता पिता को और अपने गुरुजनों को, कोई कष्ट नहीं दिया, ऐसा आप सोच रहे हैं। जब तक आप एक समस्या बने हुए हैं तब तक आप बहुत कष्ट देते हैं, क्योंकि जो गुरुजन आपको बनाना चाहते थे वो आप नहीं बन पाए, क्योंकि आप कहीं अलग समस्या में उलझे हुए हैं और बता नहीं रहे हैं। माता पिता आपसे कुछ और आशा करते थे और आपका जीवन कहीं और ही जा रहा है। तो आप ये ना सोचें कि जी बार बार कैसे बताएं, बार बार बताएंगे तो। अर्जुन ने कितनी बार बताया, एक बार तो समझा दिया कृष्ण ने, 18 अध्याय लिखे गई। नहीं तो झूठ बोल सकता था ना अर्जुन, बोल देता कि जी मेरा तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बोले भाई क्या हो गया? बोले पता नहीं, पसीने आ रहे हैं, मुख सूख रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। तो कृष्ण क्या करते, फिर डॉक्टर के पास लेके जाते, लेकिन वहां जाके वो कुछ ग्लूकोज चढ़ा देते, फिर कहते अब ठीक है ले जाओ। आते उसका फिर सूखना था मुंह, क्योंकि समस्या शरीर की नहीं थी ना, समस्या कहाँ थी, मन में थी। तो ऐसे हम बोलते हैं ना कई बार कि जी पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को, तो मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरी तो कमर दुख रही है, मेरे तो पीठ दुख रही है, कुछ दुख रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि जाओ फेज वन दिखा के आ जाओ। फिर वहां गए, बोल जी आराम नहीं हुआ उससे, तो अब घर जाना है, तो घर जाओ। घर जाके भी वही बताते हैं कि हम वहां से इसलिए आ गए कि हमें ये दर्द हो रहा था। फिर वो भी दिखाते हैं 1-2 महीना, फिर वो भी ठीक नहीं होता है। समस्या वो हो तो ठीक हो, समस्या थी कोई मन में। तो इसने सरल बन करके बताया कि मेरी समस्या पसीना आना नहीं है, चक्कर आना मेरी परीक्षा समस्या नहीं है, मेरी समस्या ये है कि मेरे को अंदर से मोह उत्पन्न हो गया। अब इसका आप बताइए। और जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, अच्छे बच्चे मतलब जिनको सफल कहते हैं जीवन में, वो अपने जीवन की हर समस्या शेयर करते हैं अपने माँ बाप के साथ, तो वो उसको निकाल लेते हैं फिर, और वो फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये आजकल गैप आया है टेक्नोलॉजी से, बच्चे माता पिता के पास बैठना ही भूल गए, 10 मिनट भी बैठते नहीं है, गुरुजनों के पास बैठते नहीं है, बैठते भी हैं यदि मोबाइल के साथ बैठते हैं, बैठे बैठे उसको चलाते हैं, वो देखते रहते हैं कि इसका खाम खब खत्म हो तो हमारे साथ बात करे ये कुछ। तो वहां उनके साथ कब बैठे, इमोशंस कहाँ एक्सचेंज हुई एक दूसरे की, भावनाएं कहाँ चेंज हुई। तो उनका आपस में आदान प्रदान होना बहुत जरूरी है। गुरु से यही तो मिलता है, माता पिता से यही तो मिलता है कि उनके जो अनुभवों का निचोड़ है जीवन का, तो वो हमें बता देते हैं और हम झट से निकल जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के 3 थे ये इसमें हेतु। पहले आपने बताया डर के मारे नहीं बताते हैं, वो ठीक है, लेकिन डर फिर बड़ा बन के आता है। ये हम सबके जीवन की समस्याएं हैं, ये एक अर्जुन की समस्या नहीं है। हमारे ऑफिस में काम करते हैं लड़के, और जिसको छुट्टी जाना होता है वो पूछता नहीं है हमारे से, वो अगले दिन जाके फोन करता है, बोलते आज मैं नहीं आ पाऊंगा, और कभी तो फोन भी नहीं करता है। हमें पता है कि कल हमें बहुत आवश्यक कार्य है ऑफिस में, और हमने ये सोच रखा है कि वो कल आएगा और उससे करवा लेंगे। कई बार तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, वो अगले दिन आता ही नहीं है, फोन करें तो फोन उठाता ही नहीं, फोन स्विच ऑफ। लेकिन 2 दिन बाद तो आएगा ऑफिस में, तब उससे पूछा जाता है कि आप क्यों नहीं आए, तो बोलते हैं मेरी माँ बीमार थी। तो आपने पूछा क्यों नहीं, और माँ बीमार थी नहीं, उसको जाना था शादी में कहीं, दोस्त की शादी में, पता किया तो माँ बीमार है ही नहीं। अब उसको ये लग रहा है कि अगर मैंने इनसे पूछा और इन्होंने मना कर दिया, तो मना करने के बाद तो फिर आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा अगर नहीं आऊंगा, तो इससे अच्छा पूछो ही मत। तो उसके मन में क्या है, भय, डर कि ये कहीं मना ना कर दें। चलो पूछा नहीं, कोई बात नहीं, वहां जाके तो सूचना दे देते घर में, तो
कि जी मैं कल नहीं आऊंगा, तो अगर सूचना दे तो भी डर है कि नहीं आपको कल जरूर आना है, बहुत जरूरी काम है कल ऑफिस में, ऐसे बोल दिया तो, इसलिए सूचना भी नहीं देनी है। चलो कोई बात नहीं, हमने जब फोन किया तब तो अटेंड कर लेते, स्विच ऑफ क्यों किया? कि हमें ये डर था कि आप फोन करेंगे और यदि नहीं उठाएंगे तो ये तो अपराध है फिर, फोन क्यों नहीं उठाया था, एम्प्लॉई हैं आप, तो ये नौबत ही ना आए कि आपने फोन क्यों नहीं उठाया, इसलिए स्विच ऑफ कर दो। और स्विच ऑफ कहीं जी कहीं वो बैटरी उस समय हो सकता है डिस्चार्ज हो गई होगी जब आपने किया, तो ये जो डर है। लेकिन ये व्यक्ति कितना परेशान हो गया अब 3 दिन तक, क्योंकि इसको बहुत आवश्यक कार्य था ऑफिस में, कोई इतना जरूरी कोई डॉक्यूमेंट तैयार करके भेजना था। तो जो पहले दिन इसका गुस्सा था, उसको डांटना था, ये 2 दिन तक घटा कि बढ़ा? तो इसको जो डांट पड़नी थी पहले दिन, उस डांट में कुछ बढ़ोतरी हुई कि कमी हुई? तो मतलब वो तो आएगा ही। और ये फिर छोटी छोटी चीजें ना हमारे जीवन में ये आदत स्वभाव बनते बनते, तो चींटी के डर से हम डरते हैं और वो चींटी फिर चीता बन के झपटता है हमारे ऊपर। तो चींटी का ज्यादा कष्ट है कि चीता का ज्यादा है? तो चीता से बचने के लिए चींटी से निपट लो पहले, थोड़े थोड़े भय हैं पहले उनको ही हटा दो। इसलिए वेद में कहा अभयम पुरस्ताद, अभयम पश्चात, अभयम ज्ञाताद, अभयम परोक्षात, अभयम नक्तम, अभयम दीवानः, सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। सब तरफ से मैं क्या बनूं? अभय, आगे से भी अभय, पीछे से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, रात में भी, दिन में भी, सदा कैसे रहूं? अभय स्थिति में। जब आप अभय होते हैं तब कैसी स्थिति होती है चित्त की? कभी ना कभी तो होते ही हैं, यहां तो रह रहे हैं गुरुकुल की बाउंड्री में, और फिर आपको ले गए नीलकंठ, और नीलकंठ कहा जाओ अभी जंगल में घूम आओ, और अभी 4 घंटा कहीं दूर दूर तक कहीं भी जाओ, और फिर आप चले गए 0.5 किलोमीटर दूर, वहां कोई नहीं है, ना कोई आचार्य, ना कोई आचार्या, ना कोई बड़ा, तो आपको क्या लगता है कि अब हम फ्री हैं और अभय हैं, किसी का भय नहीं है ना, अब कुछ भी गाएं बजाएं नाचें चिल्लाएं जो भी करें। तो वो जो अभय वाली स्थिति है वो कैसी होती है? प्रसन्नतादायी होती है ना, सुखदायी होती है ना, खुश होते हैं उस समय, हमारा चित्त कैसा होता है? प्रफुल्लित होता है। तो ये स्थिति अभय वाली अगर यहां रहते हुए भी हो तो कैसा होगा जीवन? फिर खुशी से भरा हुआ होगा, नहीं तो व्यक्ति सिकुड़ा हुआ होता है ना, एक खुला हुआ होता है वहां, आप पूरा ऐसे हाथ खोल करके एंजॉय करते हैं, और जब कोई दूसरा होता है साथ में तो सिकुड़ जाते हैं, फिर जीवन सिकुड़ जाता है, मस्तिष्क भी सिकुड़ जाता है हमारा, कोई सामने हो, अथॉरिटी सामने हो तो कैसा होता है? तो भय के कारण आपने कहा डर लगता है इसलिए नहीं बताते हैं। दूसरा फिर कल बताया था इन्होंने कि हमें लगता है कि हम ही सुलझा लेंगे, ऐसे भी होता है, सुलझा लेंगे तो बहुत अच्छा है, उसकी नहीं कहा जा रहा है कि आप सुलझा लेंगे, वो भी बताएं, बात उसकी है जो नहीं सुलझा पाएंगे। आपने कोशिश की हम सुलझा लेंगे, अपने दोस्तों की सहायता से सुलझा लेंगे, फिर भी नहीं सुलझी तो फिर बताना चाहिए। तीसरा आज आपने कहा कि हम इसलिए नहीं बताते हैं कि कहीं उनको दुख ना हो जाए, कष्ट ना हो जाए। चौथा फिर आपने ही कहा कि एक दो तो बता सकते हैं, अब एक के बाद एक आती ही रहती हैं, एक के बाद एक इसलिए आती हैं कि क्योंकि पहली को ही नहीं सुलझाया ना आपने, पहले स्टेप पे सुलझा लेते यदि तो हो सकता है दूसरी आती ही नहीं। बीमारियां एक के बाद दूसरी आती है ना, पहले पेट खराब होता है, पेट से भी पहले दिमाग खराब होता है, विचार खराब होता है, तो मन में पहले टेंशन आई तो पेट खराब हुआ, पेट खराब हुआ तो जुकाम हुआ, जुकाम खराब हुआ तो उसका कफ बना, निमोनिया बना, निमोनिया भी बिगड़ा तो और कोई अगली बीमारी होगी, तो एक बीमारी से दूसरी आती है ना।
तो यदि हमने पहले ही मन की ही बीमारी का इलाज कर लिया होता, विचार का ही किसी से शेयर करके, तो पेट ही खराब नहीं होता फिर। जब भी दिमाग में कोई, दिमाग अपसेट होता है हमारा, नॉर्मल नहीं होता है, शांत नहीं होता है, तो सीधा इफेक्ट पेट के ऊपर होता है। जब आपको एग्जाम का टेंशन होती है कि आज पेपर है, तो किसी को तो लूज मोशन होता है, किसी को भूख बंद होती है, होता है कि नहीं ऐसे, पेट के ऊपर इफेक्ट होता है ना। तो जब जब भी आपके दिमाग में टेंशन आएगी, उसका सीधा संबंध पेट के साथ है, पेट खराब होता है। जिस जिस को भी पेट का कोई भी रोग है, उसका 90% रीजन विचार है, स्ट्रेस है, तनाव है, किसी भी तरह का उसका मन के साथ संबंध है। तो उसको हटा देते तो पेट खराब नहीं होता, पेट खराब नहीं होता तो जुकाम भी नहीं होता। तो आपको ज्यादा समस्याओं से जूझना पड़ता है। एक समस्या आपने इसलिए छिपाई कि दुख ना हो जाए, और फिर आपने वो बीमारियां बढ़ाते बढ़ाते जब लास्ट में तो पता लगेगा ना, तो फिर ज्यादा दुख होगा। तो इसलिए चींटी का दुख ठीक है, चीते वाले से ठीक है। तो इसका ये अभिप्राय भी नहीं है कि आप मतलब जो आप कर सकते हैं वो भी आप ना करें फिर, मतलब हर छोटी सी बात को लेके। ये एक दूसरी समस्या होती है कुछ बच्चों की, मतलब कुछ फिर ऐसे हो जाते हैं कि जो खुद कर सकते हैं वो भी वो करते ही नहीं, वो खड़े ही रहते हैं बड़ों के सामने, भाई ये तो तू कर सकता है ना तो तू कर ले। तो वो फिर छोटी से छोटी बात भी, तो फिर वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि फिर आप कमजोर रह जाएंगे। तो ये भी तो सिखाया जाता है ना कि रफ और टफ बने, तो रफ तो ना बने, ये आधा हिस्सा ठीक है इस बात का, रफ तो नहीं बनना चाहिए व्यक्ति को, टफ बनना चाहिए। लेकिन तो टफ तो तभी बनेंगे ना जब थोड़े से संघर्षों से गुजरेंगे, जूझेंगे। तो जिनको तपस्या करने को नहीं मिलता, जैसे आपको यहाँ गुरुकुल की जो तपस्याएं जैसे हम लोगों ने भी की, वो आपके ख्यालों में भी नहीं आ सकती हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ऐसे भी मतलब पढ़ा जा सकता है क्या, वो आई नहीं आपके सामने। तो उतने अंश में आप कच्चे हैं, अब वो जबरदस्ती तो लाई नहीं जा सकती है, आपके पास संसाधन है, हमारे पास थे ही नहीं संसाधन। हम जहाँ पढ़ते थे गुरुकुल में, नहाने को वॉशरूम नहीं था, टॉयलेट नहीं था, जंगल में 3 किलोमीटर जाते थे वहाँ शांति धाम में, बिजली नहीं थी, टॉर्च भी नहीं थी, लालटेन जला के जाते थे, एक हाथ में डंडा कमंडलू दोनों, एक हाथ में लालटेन, और जाते जाते अयोन रेल के ओंग टलणिया मंगाउना झबाया गढ़ दस जब गढ़ दस खप चटते चटता कप सर हाली थी प्रत्याहार सूत्रणी, आते और जाते पूरी अष्टाध्यायी दोहरानी पड़ती थी। तो एक तो डर कि कहीं से कोई भेड़िया ना आ जाए, कहीं से कोई कुछ ना कुछ तो आएगा, जंगल था ना वहां, तो एक डंडा हाथ में, और मतलब थोड़ा थोड़ा कांपता रहता था मन, अंधेरा कहीं नीचे कोई सांप ना हो, मतलब सुनने में ये एक दिन की कल्पना तो अच्छी लगती है, पर ये वर्षों चले तो। और फिर आके कोई बाथरूम नहीं था, एक बोरवेल था केवल, तो उसमें चला के जब तक दूसरे नहीं उठे हैं तब तक नहा लो। गुरुजी ने बाल बूल सब काट रखे थे, गंजी था उस समय, नहीं तो इतना तो था ही नहीं ना संसाधन कि वहां शैम्पू लगाएंगे और फिर कंघी करेंगे, तो उसमें टाइम भी जाता है और संसाधन भी चाहिए। खाने के लिए खिचड़ी ही मिलती थी केवल, वो भी एक टाइम दोपहर में, ओनली खिचड़ी, कोई सब्जी नहीं, कोई रोटी नहीं, कोई चावल नहीं, दाल नहीं, कुछ नहीं, मूंग चावल की खिचड़ी लगातार, होली को भी वही, दिवाली को भी वही, श्रावणी को भी वही, रक्षाबंधन को भी वही, नो चेंज, और सुबह शाम एक ग्लास दूध। तो फिर आप तो भाग जाते, आपको तो यहाँ जो मिलता है उसमें भी कुछ कुछ तो नाक चढ़ाते हैं, अरे रोज दलिया खिलाते हैं सुबह सुबह, अरे दलिया तो मिल गया भले आदमी। तो जितना जितना हम तप में से गुजरते हैं वो भी बहुत जरूरी है,
अब वो हमारे लिए हमारी एक संपत्ति बन गई। आज हमें कहीं भी आप किसी गांव में रख दो, कैसी भी परिस्थिति में रख दो, हमें पूरा ये विश्वास है कि हम कहीं भी एडजस्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो फिर बच्चे कमजोर रह जाते हैं ना, तो वो कई बार तो इसलिए अपना ट्रैक चेंज करते हैं, कुछ स्थानों से इसलिए भाग जाते हैं कि उनको वो खाने पीने की रहने की सुविधाएं नहीं मिलती हैं, केवल इसलिए भाग जाते हैं। हमारे आंध्र प्रदेश की एक राज्य प्रभारी, उनकी बेटी आई यहाँ कॉलेज में पढ़ने के लिए और उसको मिर्च मसाले नहीं मिलते हैं। यहाँ कॉलेज में पढ़ने के लिए आई थी, 40,000 रुपये पहले जमा करवा लेते हैं, एक महीने के बाद भाग गई। बोल जी यहाँ स्पाइसी नहीं मिलता है, सादा खाना मिलता है। अरे एक साल तो पढ़ना था तेरे को। कॉलेज वालों ने कहा हम एक पैसा नहीं देंगे, 40,000 रुपये का लॉस हो गया, पूरी साल खराब हो गई। लेकिन केवल इतनी बात के लिए, एक साल तो तप किया जा सकता था ना, और अच्छी बात है स्पाइसी नहीं खाएंगे तो पेट खराब नहीं होंगे, लेकिन वो टेस्ट बन गया जीभ का, वो खाना अच्छा लगता ही नहीं है उनको। और जिनको सादा खाने का बन गया तो उनको उसमें दिक्कत होती है। लेकिन जब आदमी मन से ये सोच लेता है कि मुझे तो ये करना है, तो सारे संकट मोल लेकर के, वो सारे स्ट्रगल सहन करके फिर उसको करता है। तो हमें तो ये था भाई घर से निकले हैं हम तो घर तो वापस जा नहीं सकते, क्योंकि झगड़ा करके निकले घर वालों से, और अब पढ़ाई नहीं की तो आगे हमारा जीवन बनेगा कैसे। तो जितने भी मतलब संकट आए, हमें तो पढ़ाई तो करनी है अपनी, तो फिर वो चीजें सहज हो जाती हैं। तो ये दोनों काम करवा रहे हैं, बहुत अच्छे गुरु हैं कृष्ण। परसों एक बात आई थी ना कि बात शिष्य के जब तक समझ में ना आ जाए तो कई तरीके से गुरु को समझाना चाहिए। तो ये ऐसे नहीं है कि एक बार कल तो बताया था तेरे को, अभी भी समझ में नहीं आया, ऐसे कह करके ये मतलब उसको भगा दें शिष्य को, ऐसे नहीं है। कल नहीं आया था तो आज दूसरे ढंग से बताएंगे, तीसरे ढंग से बताएंगे, विभूति का दर्शन कराएंगे। विभूति से भी समझ में नहीं आना इसको, तब विराट रूप का दर्शन कराएंगे, अपने ही विराट रूप का। लेकिन जिसको हमें बताना है उस व्यक्ति तक के अंदर तक हमारी बात जब तक ना पहुंच जाए तो ये फिर बताने वाले का दोष माना जाएगा। कुछ ऐसे संप्रदाय हैं, जैसे अपने ये ब्रह्म कुमारी बहनें हैं, तो वो किसी भी व्यक्ति के घर चली जाती हैं जैसे, तो उनका जो ध्यान है ज्योति बिंदु में, वो पहले किसी को समझ में आता नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति को ध्यान की आवश्यकता भी नहीं है, खेती करने वाला आदमी है। वो बोले बहन जी मेरे को तो खेत में जाना है अभी। बोले अच्छा भाई जी हम आपके साथ खेत में ही चले, चलते चलते चर्चा भी हो जाएगी। मतलब जब तक वो अपनी बात पूरी ना समझा दें उस व्यक्ति को। एक उदाहरण है ये, तो स्वामी जी महाराज ने योग जैसा जटिल विषय करोड़ों लोगों को कैसे समझाया। और जो भारत स्वाभिमान यात्रा के दौरान एक विशेष पार्टी की सरकार बनाने के लिए देश का कैसे माइंड सेट किया, सबको वही वही बता बता करके। तो ये बताने वाले की कुशलता होती है, गुरु की कुशलता होती है ये, कि वो अपने शिष्य का माइंडसेट वैसा तैयार कर दे, और शिष्य अर्जुन जैसा होना चाहिए। इसलिए लास्ट में यही तो श्लोक आएगा ना कि जहां योगेश्वर कृष्ण जैसा गुरु हो और जहां धनुर्धारी अर्जुन जैसा रिजु जिज्ञासु सच्चा शिष्य हो, तो वहां तो स्त्री पाएगी जरूर, क्योंकि शिष्य में रिजुता होनी चाहिए। अर्जुन नहीं लड़ूंगा बहाने बना रहा था, ऐसा नहीं है, बहानेबाज नहीं था। कृष्ण को भी पता था कि इस व्यक्ति को यदि बात समझ में आ गई ना तो ये 100% उसको पूरा करेगा। तो शिष्यों को ऐसा विश्वास अपने गुरु को जमाना चाहिए, आचार्य को जमाना चाहिए। ये आचार्य को विश्वास होना चाहिए कि ये ब्रह्मचारी या ये ब्रह्मचारिणी इतने दृढ़ हैं अपने संकल्प में कि एक बार इन्होंने जो सोच लिया जो काम, ये वो पूरा करके फिर वापस आते हैं, बहाने नहीं बनाते। हम हमारे संगठन में देखते हैं कुछ प्रभारी ऐसे हैं कि जिनको हम कोई काम बता के आएंगे, कक्षाएं इतनी चलानी है, ये करना है, जो भी महाराज जी का निर्देश होता है,
तो उनमें से वो कुछ बहाने मार देते हैं, अरे वो लोग आजकल तो आते ही नहीं है, ऐसे कह रहे हैं आजकल तो स्वदेशी का काम बताएं तो जी वो कुछ लेने को ही तैयार नहीं है। और कुछ इतने डेडिकेटेड हैं कि जो टारगेट दे दिया कैसे भी उसको पूरा करना है और पूरा करते हैं। तो हमें लगता है कि भाई इस स्टेट में इन लोगों ने टारगेट पूरा कर दिया, आपका पूरा नहीं हुआ, ऐसा क्यों? क्योंकि उन व्यक्तियों का फिर एक वो बन जाती है छवि। हमें भी पता है कि इनको जो बता दिया उसी क्षेत्र में, उसी जिले में, उसी स्टेट में एक व्यक्ति ने कहा जी यहाँ कोई नहीं सुनता है, और दूसरे ने वहां खड़ा करके दिखा दिया। तो इससे क्या पता चलता है कि करने वाले की कुशलता अलग-अलग है दोनों की। तो कुछ शिष्यों का ऐसा विश्व, ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड बनाते हैं वो अपना, कि उनके बारे में ये पता है भाई इस व्यक्ति को जो काम बता दिया तो फिर उसके में देखने की आवश्यकता नहीं है, वो 100% मिलेगा। और कुछ का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा होता है बोले भाई इसको कितनी भी बार बता दो पर ये करके ले आएगा, कोई गारंटी नहीं है, ये कोई भी बहाना मार देगा। तो अर्जुन ऐसा शिष्य था, गुरु को पता था, योगेश्वर कृष्ण को पता था कि इसको एक बार ये बात समझ में आ गई, एक बार ये समता में स्थित हो गया, और हो ही गया, क्योंकि वो तो हमारी स्वाभाविक स्थिति है, अपने स्वरूप को लाना थोड़ी है कहीं से उधार, तो उसकी विस्मृति हो गई थी। तो उनको पता था एक बार इसको यदि स्मृति में आ गया, समझ में आ गया कि योगी की स्थिति में रहते हुए भी सब काम किए जा सकते हैं, तो ये युद्ध भी करेगा, युद्ध के बाद और भी कुछ करवाएं तो वो भी करेगा, पर इसकी एक बार समझ में आना चाहिए। तो वो हर तरह से फिर बताते ही रहे, बीच बीच में धमकाते भी रहे, ऐसा नहीं है कि केवल उसको पुचकारते ही रहे, बीच बीच में ये भी कहा बोले यथेच्छसि तथा कुरु, मैंने समझा दिया तेरे को, अब तेरे को जो करना है कर ले, ये तो सुनता ही नहीं है। लेकिन तुरंत फिर पकड़ लिया, बोले इसको ज्यादा देर अगर ऐसे ढीला छोड़ दिया यथेच्छसि तथा कुरु तो कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। तो फिर अगले श्लोक में फिर उसको पकड़ लिया। तो हर तरीके से गुरुजन हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो गुरु में तो इतना धैर्य होना चाहिए कि वो 1 2 3 4 सब तरीके अपना करके और उसके प्रति सद्भाव रख करके अपने शिष्यों के प्रति उनके जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और शिष्य में ये ऋजुता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए कि जो सचमुच उसको अंदर से उसमें परेशानी हो रही है वो समस्या उनके सामने रखे। मतलब बाहर से ना हम ऐसे सिखा देते हैं बच्चों को, छोटा बच्चा जो होता है तो उसकी बचपन में सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं और वो खुश रहता है। तो हम सभी छोटे बच्चे रहे हैं ना कभी ना कभी, तो अभी तो बड़े हो गए, तो छोटे बच्चे खुश रहते हैं और उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, ऐसा क्यों? और बड़ा होने पे व्यक्ति अंदर अंदर घुटता रहता है, टेंशन में रहता है, उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, ऐसा क्यों? सरलता है छोटे बच्चे में, वो बताता है अभी मेरे को चॉकलेट चाहिए, अभी मेरे को पानी चाहिए, अभी मेरे को आइसक्रीम चाहिए, कभी कभी एक ही साथ विरोधी चीजें भी मांग लेता है, अभी मेरे को खीर भी चाहिए, अभी मेरे को दही भी चाहिए। तो कभी ये लगता है कि इसके लिए ये ठीक नहीं है तो मना भी किया जाता है उस समय माता पिता, फिर वो रोता भी है और फिर उसको कुछ किसी कोई चीज दे करके ठीक कर दिया जाता है, पर मन में कोई ऐसा नहीं रहता है, उसके गांठ नहीं रहती है कि मुझे नहीं दिया, उसको जो चाहिए वो स्पष्ट भाषा में वो मांगता है।